आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हमारा टॉपिक है, जो दोगे वो कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा। व्हाट यू विल गिव विल बी मल्टीप्लाइड बैक। 1892 में एसनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सच्चा वाकया पेश आया, लेकिन इससे जो सबक मिलता है वो एक संद है और हमेशा कायम रहने वाला है। एक 18 साल का लड़का बेहद बुरे हालात में और बड़ी तकलीफ से उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। उसे फीस भरने में भी परेशानी हो रही थी। वो लड़का यतीम था और एक मर्तबा ऐसा मुश्किल वक्त आ गया कि फीस के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, इस फिक्र में था। सोचते सोचते एक बहुत अच्छा ख्याल उसके जहन में आया। उसने और उसके दोस्त ने यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़िक इवेंट रखने का इरादा कर लिया और उस म्यूज़िक प्रोग्राम से जो मुनाफा मिलेगा उससे फीस की रकम भर देंगे, ये तय पाया। उन्होंने एक मशहूर पियानोसाज आईजी पेडवस्की से मुलाकात करने का सोचा। उनके व्यवस्थापक ने $2,000 की डिमांड म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए की। इन दोनों दोस्तों ने प्रोग्राम कामयाब करने के लिए कोशिश भी बड़े ज़ोर शोर से शुरू की। जलसे का दिन निकला। पेडवस्की ने जिस तरह से प्रोग्राम को अंजाम दिया वो प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से मुकम्मल हुआ। टिकट के फरोख से सिर्फ $1,600 जमा हुए। बहुत ही बोझल दिल से दोनों दोस्त पेडरविस्की के घर गए। उन्होंने तमाम मामलात पेडरविस्की को समझाकर बताए। उन्होंने जमा की हुई मुकम्मल रकम $1,600 और $400 का एक और चेक दिया। बहुत ही जल्द हम ये $400 की रकम आप तक पहुंचा देंगे, ये वादा भी किया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ये बात मंजूर नहीं है, ये पेडरविस्की ने कहा और उन्होंने वो $400 का चेक फाड़ दिया। लड़कों को $1,600 की रकम वापस कर दी। उन्होंने लड़कों से कहा, ये $1,600 लो, इसमें से तुम्हारा खर्च माइनस करो, उसके बाद जितनी फीस की रकम तुम्हें भरनी है वो निकाल लो और फिर उसके बाद जो बचेगा वही मुझे दो। लड़कों को उनके इस बर्ताव से बड़ा ताज्जुब हुआ और इस सखावत और डोनेशन के लिए उन्होंने पेडरविस्की का दिल की गहराइयों से एहसान माना और चले गए। ये गुडनेस की एक छोटी सी मिसाल थी, लेकिन इससे भी पेडरविस्की के बड़ेपन की एक झलक दिखाई देती है। उनकी इंसानियत नवाजी समझ में आती है। वो जिन्हें जानते भी नहीं थे, उन अजनबी दो स्टूडेंट्स की उन्होंने मदद क्यों की। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे वाकयात आते रहते हैं और ऐसे वक्त पर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस तरह की मदद हम सबको करते रहे तो हमारा क्या होगा। लेकिन सही मानों में जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो उनका क्या होगा, हमें उनकी तरफ से वापस क्या मिलेगा, ये छोटा सा ख्याल ऐसे बड़े लोगों के दिलों को छूता भी नहीं। आगे चंद बरसों बाद श्री पेडरविस्की पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। वो बहुत ही ग्रेट लीडर थे, लेकिन बदकिस्मती से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, उसमें पोलैंड बर्बाद हो गया। मुल्क के तकरीबन 150 लाख लोग गिज़ा की कमी से भूखे मरने लगे। उनकी भूख पूरी करने के लिए पोलैंड के पास पैसा भी नहीं था। कहां से और कैसे मदद हासिल की जाए, इस ख्याल और सोच से पेडरविस्की बेचैन हो गए थे। उन्होंने अमेरिका सरकार से अनाज और गिज़ा के लिए मदद मांगी। उस शोबे के हेड हर्बर्ट हुवर थे, वही आगे चलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। हुवर ने मदद करने वाली बात मंजूर कर ली और फौरी तौर पर उन्होंने पोलैंड के बाशिंदों को अनाज खुराक रवाना कर दिया। पोलैंड के लोगों पर आई हुई मुसीबत टल गई। पेडरविस्की की बहुत बड़ी फिक्र दूर हो गई। उन्होंने खुद अमेरिका जाकर उनका शुक्रिया अदा करने का इरादा किया। तब उनकी बात दरमियान में ही रोककर फौरन हुवर ने कहा, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, आपको मेरा एहसान मानने और शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन कई बरसों पहले आपने दो स्टूडेंट्स की तालीम के लिए मदद की थी और उनमें से मैं एक स्टूडेंट हूँ। साथियों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम इस दुनिया के लिए जो देते हैं वो कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। कई मर्तबा तो ये बात खुद हमारी समझ में नहीं आती।
व्यूअर्स, जितना भी हो, जैसे भी मुमकिन हो, देने पर यकीन रखो। लोग ग्रेट ऐसे ही नहीं बनते, उनके कारनामे उन्हें ग्रेट बनाते हैं। गुरबत में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नेकी हमेशा लौट कर आती है। फिल्मी शायर की लाइन कितनी अच्छी है, आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, वो दुआएं हर दम पीछा करती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। मजमून पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।